हाय गाइस, मैं आज आप सभी दोस्तों को आज फार्मासिस्ट का सैंपल बना करके दिखाऊंगा, जो कि फार्मासिस्ट का सैंपल किस टाइप का होता है। मैं थर्माकोल के ऊपर बनाऊंगा अभी। पहले तो आपको अगर ये सैंपल चूज किए हैं तो आप इस टाइप का पेपर ले लीजिए, ठीक है। फिर इसको फोल्ड कीजिए इस टाइप का। तब आप इसके एक साइड अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये दूसरे साइड सेम टू सेम ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद आप इसको कटिंग कर लीजिएगा पूरा अच्छी तरह से, बारीकियों से कटिंग कर लीजिएगा लास्ट तक। जो कि फार्मासिस्ट का सैंपल बनाने जा रहा हूँ, ये इजी नहीं है, हार्ड माना जाता है, क्योंकि थर्माकोल के ऊपर शायद ही आपको कोई दिखेगा बनाते हुए, ठीक है। तो ये मैं थर्माकोल शीट खरीदा हूँ 35 रुपये का। इसके तो ये पेज है, पेज के ऊपर मैं पहले से ड्रॉ कर लिया हूँ। अब मैं इसको कट कर लूँगा। अगर मैं कट एक साइड से कर रहा हूँ पूरे आउटर में, तो दूसरे साइड का भी वैसे ही आ जाता है, इसीलिए मैं एक साइड ड्रॉ किया हूँ। अब इसके मैं अगले पार्ट में बनाऊँगा। जैसे इस साइड है तो मैं इस साइड काटूँगा, तो इस साइड का अपने आप उसी शेप में उतर जाएगा। कुछ अपने से भी एडिटिंग करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों मैं एक साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसके हो सेम टू सेम उसी उस साइड भी ऐसे ही ड्रॉ होगा। ऐसे करके आप पहले एक साइड डिज़ाइनिंग बना लीजिए जैसा आपका सैंपल हो। अगर आपको फार्मासिस्ट का कोई भी सैंपल बनाना हो तो दोनों साइड का इक्वल ही रहता है। तो मैं भी पहले एक साइड का बना ले रहा हूँ। ये सबसे बेस्ट एंड ईजी फार्मूला है ऐसा सब आर्ट बनाने के लिए। फाइनली दोस्त ये पूरा कटिंग हो चुका है और आप देख सकते हैं मैं एक ही साइड बनाया था, लेकिन सेम टू सेम इस साइड भी देखिए एक कटिंग हट गया, एक कटिंग हट गया। और इसके सेम टू सेम आप इस साइड भी देख सकते हैं कितना अच्छा एकदम जैसे कि आप देख सकते हैं रहता है फार्मासिस्ट का। वैसे अभी मैं हाफ तैयार किया हूँ, अभी पूरा बनाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। फाइनली दोस्त मैं कटिंग कर चुका हूँ। कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं सेम टू सेम वैसे उसी प्रकार का शेप निकला है जो कि मैं बनाने वाला हूँ अभी, ठीक है। और जैसे बना है मैं सिर्फ ऐसे थर्माकोल है, थर्माकोल के ठीक कभी इसके अंडर लाइनिंग करने लगूँगा, ये आउटर लाइनिंग करने लगूँगा धीरे 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 से आउटर लाइनिंग कर दूँगा। इसके बाद मैं कटर के सहायते फाइनली दोस्त मैं इस शेप को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया हूँ और आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ, अभी कटिंग करके पूरा, तब इसके बाद मैं बताऊँगा इसके आगे क्या करना है। फाइनली दोस्त मेरा ये कटिंग हो चुका है और आप देख सकते हैं कि मैं अब पेंटिंग के लिए तैयार कर चुका हूँ। अब मैं इसे पेंटिंग करूँगा। पेंटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद क्या करना है, जो कि बहुत प्यारा लोगो दिख रहा है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है लोगो में, ठीक है दोस्तों। अभी ये तो थोड़ा कम है, इसके बाद और इसमें मैं अच्छे से बनाऊँगा इसको। और एक तो रखा हूँ बनाने के लिए। गाइज ये वीडियो बनाने के बाद अब ये मैं सैंपल बना करके इसको रेडी कर दिया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं बनाऊँगा अपना डॉक्टर का सैंपल, जो कि पहले से मैं इसे ड्रॉ कर लिया हूँ। ड्रॉ करने के बाद अभी मैं अपने स्केल और कटर के सहायता से मैं इसको कट कर रहा हूँ। और कट करने के बाद आप देख सकते हैं कैसे कितना बेटर एकदम तरीक़े से ये कट हो गया है। कटिंग का तरीका देख सकते हैं आप। मैं स्केल रख करके इसे एकदम लाइन से स्केल रख करके इसके बाद मैं कटिंग करता हूँ। पूरा सैंपल बनाने के बाद ये मैं कट करके अब बाहर निकाल लिया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डॉक्टरों का सैंपल है। और इसके बाद मैं अपना सैंपल लगाऊंगा, जो कि पहले से ऑलरेडी कलर करके रख दिया हूँ। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत दिख रहा है। फाइनली गाइज मेरा कलर आ चुका है। अब मैं जा रहा हूँ कलर करने, जो कि नेरोलैक का है, जो कि अच्छा काम करता है इसमें। अब मैं इसे कलर करूँगा ग्रीन कलर में, ठीक है दोस्तों।
कलर बहुत अच्छे से लग रहा है, इससे भी आप हार्ड कलर ले सकते हैं। हमारे पास नेरो लेक का कलर था, इससे मैं और अच्छे से बना सकता हूँ, जो कि मेरे लिए यही सूटेबल पड़ता है, इसीलिए मैं इस कलर का यूज़ करता हूँ। ठीक है, जो दोस्त अपने मेडिकल लाइन का अपना एजुकेशन चैनल बनाए हैं तो अपना फ्रंट से कैमरा लेते हैं तो उसके पीछे बैकग्राउंड लगाने के लिए ये लोगो एक नंबर का एकदम लोगो है दोस्तों। फाइनली दोस्त मेरा ये वीडियो बन के तैयार हो चुका है ये सैंपल के साथ। आप देख सकते हैं ये सैंपल कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। जैसे कि अगर आप कोई भी कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि सेम थर्माकोल का सैंपल बना दीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। बस आप मैसेज कर दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सैंपल देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, हम लोगों का फार्मासिस्ट का सैंपल है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। मेरा ये वीडियो आप सभी दोस्तों को कैसा लगा? अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।